बैक इसका अध्ययन हम लोग कक्षा 6 से देखते आ रहे हैं। आप जानते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। एक धन आवेश और एक ऋण आवेश यानी चार्ज जो है टू टाइप्स के हो गए, हम लोगों को पहले से पता है। एक पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और दूसरा आपका हो गया निगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। और हम लोग ये जानते हैं कि जब समान नेचर वाले दो चार्ज पास पास रखे जाते हैं, यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव या निगेटिव और दूसरा भी निगेटिव हो, या ऐसा भी हो सकता है कि एक आपका पॉजिटिव है और दूसरा आपका निगेटिव है, या ये भी हो सकता है कि आपका पहला निगेटिव है और दूसरा आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो हम लोग पढ़ के आए हैं छोटे क्लासों में कि आप ध्यान दिए होंगे कि जब चार्ज के नेचर सेम हो, यानी उनकी प्रकृति समान हो, यानी वो दोनों धन आवेश हो या दोनों ऋण आवेश हो, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी ये वाला चार्ज इस चार्ज को धक्का देता है इस साइड में, और ये वाला चार्ज इस चार्ज को धक्का देता है इस साइड में। इस तरह से समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। वैसे ही यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन ये हो गया, इसके कारण इसके ऊपर जो फोर्स लगा उसका डायरेक्शन ये हो गया। यहाँ पे जो फोर्स अप्लाइड हुआ उस फोर्स को हम लोग कहते हैं प्रतिकर्षण बल। अगर यहाँ पे चार्ज के नेचर ठीक एक दूसरे के अपोजिट है, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा निगेटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी ओर खींचेगा और ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। वैसे ही यहां पर ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर आकर्षण बल हो जाएगा। यानी जो फोर्स की प्रकृति है वह आकर्षण की है। यानी कि जब चार्जों के बीच फोर्स कार्य करे तो उस फोर्स को ही हम लोग कहते हैं वैद्युत बल। यानी जब धन आवेश और जो दूसरा हमारा आवेश है अगर वो भी धन आवेश है तो वे दोनों धन आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं, या एक धन है और एक ऋण है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं आकर्षित करते हैं। तो इस बल को ही हम लोग कहते हैं वैद्युत बल। इसी बल को ही हम लोग कहा जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स।